नमस्ते, मेरा नाम है विष्णु और आप देख रहे हैं और देखे जाने की वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के बारे में। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स कभी अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना नहीं देखती थी। वो जानवरों की डॉक्टर बनना चाहती थी, ये उनका बचपन का सपना था। सुनीता विलियम्स ने बताया कि मैंने बचपन में अंतरिक्ष यात्री बनने की बात नहीं सोची थी। बचपन में मुझे स्विमिंग पूल का बहुत शौक था, क्योंकि मैं एथलीट थी, मुझे जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए मैं वेटनरी डॉक्टर बनना चाहती थी। सच सच बताऊं तो जिन कॉलेज में मैं पढ़ना चाहती थी उसमें मुझे दाखिला नहीं मिला। सुनीता विलियम्स ने अपनी ज़िंदगी की जुड़ी ये सारी बातें APJ अब्दुल कलाम सेंटर के सृजन पाल सिंह के साथ हुए एक वेबिनार के दौरान बताई। हम बताते हैं उन्हीं की जुबानी उनकी कहानी आपको। अपनी कहानी सुनाते हुए सुनीता ने आगे कहा कि दाखिला ना मिलने के बाद मेरे बड़े भाई ने मुझे रास्ता दिखाया और सुझाव दिया कि तुम नेवी और नेवल एकेडमी के बारे में क्यों नहीं सोचती हो। मैंने भी सोचा कि क्यों ना यही कर लिया जाए। इस तरह मैंने नेवल एकेडमी और नेवी को ज्वाइन कर लिया और मैं एक पायलट बन गई। ये मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी, मैं ड्राइवर बनना चाहती थी क्योंकि मैं तैराक थी, और जो मैं दूसरी चॉइस थी फिर मैं जेट का पायलट बनना चाहती थी, लेकिन मैं हेलीकॉप्टर का पायलट बनी, यानी मुझे दूसरी चॉइस ही मिली। अपने बारे में बात करते हुए सुनीता ने आगे कहा कि मैं नासा में 1998 में आई थी। मैं अंतरिक्ष में 2006 के आखिर में गई। इस बीच मुझे थोड़ा समय के लिए स्पेस जानने का मौका मिला 2002 में, लेकिन दुर्भाग्य से 2003 की शुरुआत में कोलंबिया वाली दुर्घटना हो गई। हमने अपने दोस्तों को गवा दिया था, इसमें कल्पना चावला भी थी। इससे शटल प्रोग्राम को पूरी तरह से रोक दिया गया। हम नहीं जानते थे कि अब हम कभी शटल से स्पेस में जा सकेंगे या नहीं, और रूसियों के साथ जब हमारी बड़ी अच्छी साझेदारी थी तब ये सब हो गया। सच कहूँ तो जब जांच हुई और फिर से स्पेस में जाने की हमारी बारी आई, मुझे शटल से जाने के लिए ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, तब भी लग रहा था ये सारा एक सपना है। अपनी अंतरिक्ष उड़ान को लेकर उन्होंने आगे बताया, जब हम स्पेस की क्राफ्ट में दाखिल हुए उस दिन भी वह काल्पनिक लग रहा था, जिसका अभ्यास हमने कई बार किया था और वास्तविक नहीं लग रहा था। तब तक नहीं लग रहा था जब तक कि मेन इंजन को चालू नहीं कर दिया गया। जब हम स्पेस में जाते हैं तब महज 10 मिनट से या उससे कम समय लगता है, जहां से आप धरती के चक्कर लगाने लगते हैं, चाहे जिस स्पेसक्राफ्ट में भी आप हों। मुझे समय ठीक ठीक याद नहीं है, पर उड़ती हुई जब ऊपर गई पृथ्वी के दूसरे हिस्से को देखा तब वह एकदम अविश्वसनीय था कि पृथ्वी को दूसरे हिस्से से नीला और सफ़ेद देखा। सुनीता विलियम्स ने आगे कहा कि मैंने एक पूरा साल स्पेस में बिताया। हम धरती वाली दिनचर्या वहीं पे रखते थे। हम ग्रीनविच मीन टाइम पर चलते हैं, जो यूरोप का टाइम होता है। इसके दो कारण होते हैं। इससे हमारे फ्लाइट कंट्रोल्स को आधे दिन का समय मिल जाता है। जो लोग मिशन कंट्रोल ह्यूस्टन में बैठे रहते हैं, आधा दिन मास्को के फ्लाइट कंट्रोल्स को मिल जाता है। यूरोप में फ्लाइट कंट्रोल्स के लिए सामान्य दिन होता है। आम तौर पर हम लंच अकेले ही कर लेते हैं, सभी कुछ ना कुछ खा लेते हैं, फिर भी डिनर के समय हम सभी एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। आम तौर पर हम प्लानिंग पर कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो धरती के मिशन कंट्रोल सेंटर्स के साथ होता है। हम स्पेस स्टेशन पर टीवी भी देख लेते हैं। स्पेस में अपनी दिनचर्या पर बात करते हुए सुनीता ने कहा, मैं भारतीय खाना खाती थी, लेकिन उसे चावल और ब्रेड के साथ। शाम को खाली समय में धरती की तस्वीरें लेती थी, एक्सरसाइज करती थी, क्योंकि शरीर को उस जगह पर दुरुस्त रखने के लिए बेहद ज़रूरी था एक्सरसाइज करना। हमें हर दिन 2 घंटे व्यायाम करना पड़ता था ताकि वजन कम हो और हड्डियां मजबूत बनी रहें। हृदय के लिए कसरत करते थे ताकि वह सही ढंग से काम करता रहे। इंटरनेट प्रोटोकॉल फ़ोन होता था, जिससे हम अपने घर पर फ़ोन करते थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी थी, जिससे हम अपने घर के लोगों को देख पाते थे। उन्होंने आगे कहा कि मैंने जब स्पेस में मैराथन लगाई थी तो मेरा वज़न अब जितना है उससे थोड़ा सा कम था।
तब मैंने अपना वजन थोड़ा और घटा लिया था। ये मेरे लिए थोड़ा आसान नहीं, लेकिन ट्रेडमिल पर 4.5 घंटे काम करना कठिन होता है। आपके कंधे और कूल्हों में दर्द होने लगता है। मैंने स्पेस में 50 घंटे चहलकदमी की। ये रूटीन और प्रैक्टिस की बात होती है, इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होने की ज़रूरत होती है। सुनीता विलियम्स ने अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि 1.5 घंटे में हम धरती का एक चक्कर लगा रहे थे, जिससे 45 मिनट दिन होता था, 45 मिनट रात होती थी। तो हमने जब हैच को खोला तब रात थी, और तो मैंने अपने सूट के ऊपर लगी लाइट को जला दिया और मैं तुरंत काम में जुट जाना चाहती थी। लेकिन जब सूरज निकला और मैंने धरती को अपने से नीचे घूमते हुए देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि ओ माय गॉड, और मैं सोचने लगी कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। ये रही कहानी सुनीता विलियम्स की जुबानी आपको जो हमने सुनाई। अगर ऐसी कहानी चाहते हों तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं हाँ हम ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं, जिससे आगे हमें कहानियाँ बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं खुशी खुशी बनाता रहूं। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा, सुझाव हो ज़रूर दीजिएगा, और कोई गिला शिकवा हो तो माफ़ कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा, पूरी करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।